लेडी, पूर्व में रही राज्यसभा की सांसद, उत्तर प्रदेश में रही चार चार बार मुख्यमंत्री, आयरन लेडी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी को आज इस माननीय बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी आज के मुख्य अतिथि माननीय महेश आर्य जी, हमारे दूसरे प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर माननीय सीपी सिंह जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी सुंदर जी और मंच पर उपस्थित जोन के कोऑर्डिनेटर विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे निगम के पार्षद और सभी बहुजन समाज पार्टी के जिला जोन और बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण महोदय, आप सभी को मेरा जय भीम। आज माननीय बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर माननीय बहन जी को मैं ढेरों बधाइयां देना चाहता हूं और आज इस शुभ अवसर पर हम लोगों को संकल्प करके जाना चाहिए कि आने वाला समय होगा बहुजन समाज पार्टी का होगा, बहुजन लोगों का होगा, क्योंकि आने वाला जो 2019 का चुनाव है ये हमारे लिए करो या मरो की बारी है। हमें करो या मरो की नीति अपनानी होगी, हमें इस देश पर सत्ता शासन हासिल करना होगा। हम जब ही हासिल कर सकते हैं जब हम सब नेक नीति और ईमानदारी से हम काम करेंगे। यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में दिल्ली प्रदेश के सभी बहुजन समर्थक हैं, मैं आप लोगों को यही आह्वान करता हूँ कि हम लोग सब मिलकर के यदि काम करेंगे तो दिल्ली प्रदेश में भी हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं और माननीय बहन जी की झोली में दिल्ली प्रदेश की सातों लोकसभा की सीट जीत करके माननीय बहन जी के सम्मान में अपना सहयोग कर सकते हैं साथियों, क्योंकि दिल्ली की राजधानी है ये और राजधानी में हम लोग रहते हैं। इस राजधानी के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं आजकल इन लोगों को, इन समस्याओं को आप लोग देख रहे हैं। आज सीलिंग के मुद्दे चल रहे हैं, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों की संख्या में लोगों की दुकानें सील करके बेरोजगार किया जा रहा है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से यही आह्वान करता हूँ समय की कमी को देखते हुए कि आप लोग एकजुट हो जाओ और इस देश की राजधानी पर कब्जा करने का काम करेंगे साथियों। मात्र शक्तियां बड़ी संख्या में बैठी हुई है, मात्र शक्ति से मेरा निवेदन है कि आप सब मैदान में आ जाइए, क्योंकि जब हमारी माननीय बहन जी इस देश की सत्ता शासन पर काबिज होने के लिए तैयार है तो आपके सहयोग की भी आवश्यकता है साथियों बहनों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब मिलकर के अपने मोहल्ले पड़ोस में बहुजन समाज पार्टी की बात को पहुंचाने का काम करें ताकि हम दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था है, रोजगार की है, क्राइम की है, रोजगार की है और भी कोई बहुत सारी समस्याएं ऐसी है, तो इन सबसे हम कब्जा कर सकते हैं, इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, तभी पा सकते हैं राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होगी। तो इसलिए साथियों आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, तुम्हें आज माननीय बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर संकल्प करके हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम इस देश की राजधानी में माननीय बहन जी को सातों के सातों सीटें जीत करके माननीय बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। मैं पुनः माननीय बहन जी को बधाई देता हूँ आज इस जन्मदिन की, माननीय बहन जी के मैं उन्हें बधाई देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन की बात करेगा जो बहुजन की बात करेगा जो बहुजन की बात करेगा हो रहा है, पहले भी यहाँ से शुरुआत हुई थी और आज भी यही से शुरुआत होती है। 2019 में बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके रहेंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।